नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टो सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग टू यू मैथ क्लासेस। इसमें हम आज एक्सरसाइज 3.6 को पढ़ाएंगे, जिसमें आपको दिया है फाइंड दी एचसीएफ, फाइंड दी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर आज मैं बता रहा हूं। जैसे कोई डिजिट्स आपके सामने 20 है, आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, यानी ये 20 किन किन डिजिट से डिवाइजेबल हो जाते हैं। तो मैंने डिविजिबिलिटी के नियम में भी बता चुका हूँ कि किसी डिजिट को डिवाइड करने के लिए क्या फार्मूला होता है। ये आपके 2 से कटेंगे क्योंकि लास्ट में 2 दिख रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर 2 हो जाएगा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 13 हो जाता है। इस प्रकार से मेरा 20 का फैक्टर होगा 2 × 5। और 25 मान लीजिए, इसे आपको फैक्टर करना है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि मैंने बताया था कि जिस डिजिट के लास्ट में वंस प्लेस है 0 और 5, इट इज डिवाइजेबल बाई 5। ये आपके 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। मान लीजिए एक आपके 25, यहाँ पर मैं 5 × 5, ये 20 और 25 इन दोनों डिजिट्स में, दोनों डिजिट्स के फैक्टर में कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो समान मिल रहे हैं, पाए जा रहे हैं एक ही, और कितनी बार पाए जा रहे हैं उससे पहले इंडिकेट करेंगे। जैसे इसमें 5 है, 5 इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है, इसमें 5 नहीं, 5 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो मैं HCF लिखूंगा, HCF इज इक्वल टू 5, ओनली जो दोनों में पाया जाने वाला है, दोनों ऐसा डिजिट्स जिन डिजिट से दोनों ये दिए गए नंबर आपके डिविजिबल हो जाएंगे, वही आपका HCF होता है, फैक्टर होता है। आइए और भी मैं ऐसे एक दो करके बताता हूँ। 36 और 84, इसे आपको पहले फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले 36 का निकालेंगे, 36 का फैक्टर ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइजेबल करेंगे इसको, 2 9 18 हो जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइजेबल हो जाएगा, फिर 3 9 हो जाएगा। अब मेरा ये फैक्टर बना है 2 2 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3, यहाँ पर 36 का ये बन गया। इसे पढ़ते हैं, 2 2 6 6 3 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36 होता है। अब मैं 84 क्या करूँगा, या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 हो जाता है, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 2 1 2, आगे 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा, 3 7 जा, और ये आपका फैक्टर हो गया 2 × 2 × 3 × 7। अब मैं HCF लिख रहा हूं, HCF इस कर दो, इन दोनों में मुझे कौन कौन से डिजिट मिल रहे हैं, तो देखिए ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, और जो तीनों में मिले हैं, तीनों डिजिट मिले हैं उसको मैं लिखूंगा, यानी 2 × 2 × 3,
टू टू या फोर और फोर थ्री या ट्वेल्व, ये इसका फैक्टर आपका ट्वेल्व हो जाएगा। यानी ट्वेल्व एक ऐसा नंबर है जिनसे ये दोनों डिजिट्स डिवाइडेड हो जाएंगे। ट्वेल्व थ्री या 36 और ट्वेल्व सेवन का 84 होता है, तो इनसे दोनों डिजिट डिवाइडेड होता है, वही आपका एचसीएफ कराता है। और ये देखिए 70, 105 and 175, इन तीनों को अलग अलग ऐसे ही फैक्टर निकालेंगे 70, 105 and 175, ठीक है। पहले से कर रहे हैं, दूसरे डिवाइड पर करेंगे फिर 3, 5 पे जाएगा। अब ये टू से डिवाइड पर नहीं होगी, 5 हो जाएंगे, 5, 7 का, अब ये नहीं होगा 2, 5, 2, 5 और 7 हो जाएगा। 1 into 5 ये टू से डिवाइड पर नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3, 3 जो 9, 3, 5 जो 15, फिर ये 5 से हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 into 5 into 7 हो गया। और 175 ये आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से जब 15 हो गया, 2, 5, 5 फिर ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5, 5, 7, 5 into 5 into 7। एचसीएफ निकलना है, एचसीएफ आप देखिए इनमें कौन कौन से ऐसा डिजिट्स है जो तीनों में मिल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि 5 है और 7, यानी 5 into 7 इसका टू 35, ये आपका एचसीएफ 35 हुआ, जो 70, 105 and 175 का फैक्टर है। तो ये आप लोग एक्सरसाइज 3.6 को करेंगे, और इसमें किसी प्रकार के अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप निशंदेह बताएंगे, कमेंट्स करेंगे और मैं बताऊंगा। तब तक के लिए।